सब्सक्राइब करिए टेक फॉरम चैनल को और हिट करिए इस बेल आइकन को जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी हमेशा मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक फॉरम के एक नए एपिसोड में। और आज हम देखेंगे वन प्लस फाइव के कैमरा सॉफ्टवेयर के एनालिसिस। और बने रहिएगा आप हमारे साथ अगले वीडियो के लिए जिसमें हम आपको दिखाएंगे वन प्लस फाइव के द्वारा खींची गई कुछ तस्वीरें। हम यहाँ पर अपने कटर को प्लेस कर लेते हैं और देखते हैं कैमरा टेस्ट। काफ़ी फास्ट शटर है जैसे कि आप देख सकते हैं, एक सेकंड भी नहीं लगता है इसे फ़ोटो खींचने में। और पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जैसा कि आप देख सकते हैं, शार्प पिक्चर है। इसके कैमरा के लिए काफ़ी एडवर्टाइजमेंट की गई है वन प्लस की तरफ से, काफ़ी कुछ कहा है। और अगर आप इस इन्फॉर्मेशन ऑप्शन में जाते हैं तो इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, लोकेशन आपको भी दिखाया जाता है इसमें, साथ में हिस्टोग्राम मैप भी मिलता है आपको इन्फॉर्मेशन के अंडर। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी आईफोन की तरह दिखने वाला इंटरफेस है कैमरा का। और इसमें आपको SDR और ये 4:3 से 16:9 और 1:1 में चेंज करने के ऑप्शन मिलते हैं। फ्लैश आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैनुअल, ऑटो या ऑफ़। और जहाँ पर भी आप फोकस करेंगे आपको देखेंगे कि यहाँ पर एक एपर्चर कंट्रोल करने का स्लाइडर मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पर आपको 1x दिख रहा है जो कि अभी आपकी 16 मेगापिक्सल कैमरा को यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर डुअल कैमरा सेटअप में से। और जब आप इसे 2x कर देते हैं, सपोज़ हम यहाँ इतनी दूरी पर इसे ला के सेट करते हैं और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये जूम कैमरा यूज़ करने लगता है। टेलीफोटो लेंस कैमरा जो है हमारा 20 मेगापिक्सल का, उसे इस्तेमाल करके फिर ये फ़ोटो लेता है। इसकी भी शटर स्पीड बहुत फास्ट है और आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्टिकल जूम मिलता है, क्लियर, ना कि डिजिटल जूम, और काफ़ी क्लियर फ़ोटो आपको उसमें भी नज़र आते हैं। तो हम वापस चल लेते हैं अपने 1x पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे। और यहाँ पर ऑप्शंस में जाकर के आप देखेंगे कि फ़ोटो, टाइम लैप्स, वीडियो, स्लो मोशन, पोर्ट्रेट, पैनोरामा और प्रो मोड का ऑप्शन है। प्रो मोड में आप जाएंगे तो हर चीज़ आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं ये एक्सपोजर, शटर स्पीड। ये हमारा फोकस, तो काफ़ी अच्छा मैनुअल ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। हर चीज़ को आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं और अगर आप जानते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इन्हें, तो आपके लिए बहुत ही एक DSLR लेवल की सेटिंग्स यहाँ पर दी गई है जो कि आपको फ़ोन में मिलती है। इससे बेहतर सेटिंग्स आपको फ़ोन में मिलना मुश्किल है किसी और फ़ोन के अंदर। तो अगर आपको एक अच्छा मैनुअल कैमरा चाहिए अपने छोटे से स्मार्टफोन के अंदर, तो ये जाहिर सी बात है आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फर्दर सेटिंग्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आप स्टोरेज लोकेशन सेव करना है, यानी शटर साउंड होना चाहिए या नहीं। क्विक कैप्चर के ऑप्शंस हैं, ग्रिड अलाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, शॉट ऑन वन प्लस वाटरमार्क इस तरह से। अगर आप देखेंगे, मान लीजिए आपका ये फ़ोटो है, इस वाटरमार्क को अगर आप ऑन कर देते हैं तो इस तरह से आपके नीचे लोगो बना आ जाएगा। अच्छा है तो आप अपना नाम भी यहाँ पर लिख सके लोगो के साथ लगा सकते हैं। इन्वर्ट फोटोज़ का ऑप्शन है, सेल्फी में आप चाहें तो इन्वर्ट कर सकते हैं या फिर मिरर इमेज ले सकते हैं। सेव नॉर्मल फ़ोटो, जब आप डेप्थ ऑफ फील्ड इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तब आप एक नॉर्मल फ़ोटो भी सेव कर सकते हैं। बाकी पिक्चर इन्फॉर्मेशन, हिस्टोग्राम, हिस्टोरिकल रेफरेंस लाइन, सो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन। इमर्सिव मोड का भी ऑप्शन है यहाँ पर, स्वाइप टू एंटर द इमर्सिव मोड। तो अब चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको नॉर्मल फ़ोटो मोड के अंदर, फिर जब आप पोर्ट्रेट में जाते हैं इस तरह से सेलेक्ट करके आप पोर्ट्रेट या फिर आप वीडियो मोड में जा सकते हैं। तो अगर आप पोर्ट्रेट मोड इस तरह से लेते हैं, मान लीजिए कि हम इस पर फोकस करते हैं तो बैकग्राउंड आपका ब्लर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नाइफ़ है हमारी, ये काफ़ी क्लियर आई है और इसके पीछे का जितना एरिया है ये सब ब्लर हो चुका है। तो इसमें वन प्लस फाइव डबल कैमरा का अपना इस्तेमाल करता है, टेलीफोटो लेंस से वो पीछे की ब्लरिंग डेवलप करता है। और जो हमारा मेन 16 मेगापिक्सल का 1.7 एपर्चर कैमरा सेंसर है, उसके द्वारा ये सामने की ऑब्जेक्ट्स को फोकस करता है।
तो ये एक खासियत है इस फ़ोन की ड्यूअल कैमरा लेंस होने के कारण। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन ना तो फ्रंट कैमरे में है ना तो रियर कैमरे में, लेकिन दोनों कैमरे में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और रिजल्ट्स कुछ ठीक ठाक ही मिल जाते हैं हमें। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की कमी तो हमेशा खलेगी, लेकिन शायद इसे इतना थिन रखने के लिए ये ज़रूरी था कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन हटाया जाए। जो ओवरऑल फील है डिवाइस का बहुत ही सॉलिड है और काफ़ी थिन है, आपको हाथ में पकड़ने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, नहीं लगेगा कि आप कोई बहुत बड़ा 5.5 इंच का फ़ोन अपने हाथ में लिए हुए हैं। लुक एंड फील के मामले में इसे कंप्लीट पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन कुछ आईफोन 7 प्लस के लुक अलाइक होने के कारण हो सकता है कि लोगों को पसंद ना आए। OnePlus 5 के सारे फीचर्स और डिटेल्ड रिव्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।